वेलकम बैक वंस अगेन नौकरीखबर.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन भारतीय वन की अनुसंधान वन विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। आप सभी के पास 30 मई 2022 तक का समय है। आप लोग ऑफलाइन तरीके से आवेदन करके एप्लीकेशन फॉर्म को दिए गए पते पर सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, केवल और केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन आपका होने वाला है। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना है साल 2022 के अंदर एक अच्छे से डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके एक अच्छी सी पोस्ट पर परमानेंट नौकरी पाने का, तो आप सभी के लिए वन विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। आप लोग आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो आपके काम की लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करने के बाद आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स आगे भी देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूँगा, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। पहली और सबसे अच्छी बड़ी खास बात यह कि आपको आवेदन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय दिया गया है। आप लोग 30 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग केयरफुली नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करें और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से रीड करें और अगर एलिजिबल हुए तो ज़रूर से आवेदन फिल करें। इसके अलावा आपको बता दें कि मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। वेरियस नंबर ऑफ पोस्टें मिल जाएंगी और ऑल इंडिया लेवल पर आवेदन करने की अपॉर्चुनिटी भी आपको दी गई है। अगर आपकी एज कम से कम 18 और अधिक से अधिक 35 यानी कि 35 साल तक है तो आप लोग आवेदन फिल कर सकते हैं। यहां पर आपको ऑफलाइन तरीके से बिल्कुल फ्री में आवेदन करने होंगे, बिकॉज यहां पे फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है। आपको ऑफलाइन तरीके से कैसे आवेदन करके सेंड करना है, इसके बारे में हम आगे नोटिफिकेशन के साथ साथ बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। आप लोग यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको आप लोग हिंदी में भारतीय वन की अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद बोल सकते हैं। ये दो आप लोग यहाँ पे डेट चेकआउट कर पाएंगे कि 12 अप्रैल 2022 के दिन का नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पूरी की पूरी जानकारी। आप लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे, कितने यहाँ पे 7 CPC के अंदर आपका वेतन दिया जाएगा, लेवल यहाँ पे 10, 11, 12 और 13 यहाँ पे शामिल होगा। यहाँ पे आपको कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की वैकेंसी मिलेंगी। लोकेशंस यहाँ पे दिए गए हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे बताई गई हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। टोटल अप्रॉक्स यहाँ पे 45 आपको वैकेंसी मिलेंगी और यहीं पे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट डेट यहाँ पे आपकी 30/5/2022 यानी कि 30 मई की होगी, तो यहाँ पे भी मेंशन किया गया है और एड्रेस भी मेंशन किया गया, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, आपको और भी कई सारी यहाँ पे जानकारी दी गई है और सबसे नीचे आने पर आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोफॉर्मा बोलेंगे इसको फॉर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले नेम इन ब्लॉक लेटर्स में फर्स्ट नेम है, सॉरी लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम एंटर करना है। बाकी यहाँ पे जो भी जानकारी दी गई, यहाँ पे पोस्ट नेम है, कैडरे ईयर और इसके बाद पे स्केल है, ग्रेड पे है, डेट ऑफ बर्थ है और इसके बाद यहाँ पे आपको और भी कई सारी जानकारियाँ फिल करनी है। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ यहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के साथ प्लेस और डेट का ऑप्शन भी मेंशन किया गया है। सारी चीज़ों को देखिए, अगर एलिजिबल हुए तभी आप लोग अप्लाई करिएगा। बाकी की जानकारी आपको आगे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिलने वाली है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वन विभाग की तरफ से आ चुकी नई भर्ती फॉर्म 2022 के बारे में, जहां पर बिना किसी एग्जाम के सीधी भर्ती होने वाली है, जो कि आपके क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के बेस पे होगी। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको 30 मई 2022 तक का समय दिया गया है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन फिल कर सकते हैं। आपकी एज कम से कम 18 और अधिक से अधिक 35 साल की होनी चाहिए। ऑफलाइन तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करने होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी के अभी कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करें। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा। अगर आप लोग इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं और घर पर रह के किसी भी कंपनी के लिए काम करके पैसे कमाना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब की तलाश में रहते हैं, तो यहाँ पे आपको workfromhomejob.com की वेबसाइट मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पे जाके सारी की सारी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, वैकेंसी डिटेल है, जहाँ पे आपको वेरियस नंबर ऑफ पोस्टें मिल जाएंगी। पोस्ट नेम की बात करें तो आपको यहाँ पे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की वैकेंसी मिल जाएंगी। यहीं पे इम्पोर्टेंट डेट का सेक्शन है, जहाँ पे फॉर्म भरे जाने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट 30 मई 2022 की रखी गई है। देन यहाँ से नीचे आएंगे, आपकी एज है जो कि कम से कम 18 और अधिक से अधिक 35 सालों की होनी चाहिए। उसके बाद अप्लीकेशन फीस है जो कि बिल्कुल फ्री है, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हों आवेदन जरूर से फिल करें। इसके बाद यहां से नीचे आएंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होने वाला है। बात करें वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कौन कौन से राज्यों से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, लिस्ट प्रोवाइड करा दी गई है, आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करें। वेतन की बात करें तो वेतन आपको काफ़ी ज़्यादा दिया जाएगा, लेवल 10, 11 और 12 के साथ 13 में। और इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो कि 10, 12 डिप्लोमा ग्रेजुएट हैं, तो अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग एलिजिबल होने पर अप्लाई कर सकते हैं। 30 मई 2022 तक आपको अप्लाई करना होगा। बात करें कि आपका चयन कैसे होगा, तो क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू के बेस पे आपका चयन होने वाला है। देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन, यहाँ पे आपको अप्लाई का फुल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आपको एक बार rozgargyan.com की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में फुल टू अपडेट कर दिया गया है, आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे जानकारियों को रीड कर सकते हैं और जानकारियों को रीड करने के बाद ही आप लोग आवेदन फिल करें। आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्वालिफिकेशन इंटरव्यू है और इसके बाद यहाँ पे देखें आपको मिल जाएगा अप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन। आपको करना क्या है कि एक बार नोटिफिकेशन के सामने वाली क्लिक हियर की बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपके सामने चार ऑप्शंस आएंगे, या फिर जो भी ऑप्शंस आते हैं ड्राइव क्रोम का, आप क्रोम में इसको ओपन करिए। क्रोम पे क्लिक करते ही आपका जो नोटिफिकेशन पीडीएफ है वो आपके सामने पीडीएफ की सहायता से ओपन होगा। डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन, बाकी आप लोग रीड कर सकते हैं। सेम नोटिफिकेशन है 12 अप्रैल 2022 के दिन का और इसमें से सारी जानकारियाँ रीड करने के बाद आप लोग चाहें तो नीचे आपको इनबिल्ड में अप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको भी फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको आवेदन करने की डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराऊं, तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।